नमस्कार, द स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत है और मैं हूं राहुल सिंह। मेजर रीशफल जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पर देखने को मिला है। रात की बात की जाए तो रात में ट्रांसफर ऑर्डर जो है वो सामने आया है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि डिवकॉम जम्मू, डीसी जम्मू जो है वो ट्रांसफर कर दिए गए हैं और अब नए डिवकॉम जम्मू और डीसी जम्मू जो है वो नियुक्त कर दिए गए हैं। अभी तक ये देखा जा रहा था ये चार्ज जो है डिवकॉम जम्मू का वो राघव लंगर जी संभाले हुए थे, वही इस पर सारी चीजें जो है वो देख रहे थे। और डीसी जम्मू की बात की जाए तो अंशु गर्ग जो है वो पूरा चार्ज जो है वो पूरे तरीके से संभाले हुए थे और बहुत बेहतरीन से जो है वो काम भी कर रहे थे। लेकिन जो रात को ट्रांसफर ऑर्डर सामने आया उसमें सीधे तौर पर बताया गया था कि जिस तरह से ये ट्रांसफर की गई है, एक मेजर रीशफल जो है ये देखा जा रहा है। और किसी को भी ये पता भी नहीं था कि शायद ये एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल पर जो है ये बातें चल रही है कि इन बड़े बड़े नामों को, इन बड़े बड़े ओहदों के पर जो लोग बैठे हुए हैं उनको अब जो है उनकी जगह से हटाकर नए किसी और को जो है इन पर चार्ज देना चाहिए। और पहली बात की जाए, क्योंकि जो बात की जाए तो जो मैडम राघव लंगर, अगर डॉक्टर राघव लंगर की बात की जाए, डिवकॉम जम्मू है, उनको तो ट्रांसफर कर ही दिया है, तो उनकी जगह पर कौन आया है ये बहुत बड़ी बात है। हर ये सोच रहा है कि कौन अपने डिवकॉम जम्मू होंगे, तो नए डिवकॉम जम्मू के तौर पर जिन्हें लाया गया है वो है मिस्टर रमेश कुमार, यानी कि रमेश कुमार जो है वो अब से डिवकॉम जम्मू का चार्ज संभालेंगे। मैं आपको ये भी बता दूं कि मिस्टर रमेश कुमार जो है वो अभी तक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी कि सीईओ थे, वो श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के वहां का चार्ज वो अभी तक संभाले हुए थे और उन्हीं को अब डिवकॉम जम्मू पर, डिवकॉम जम्मू के तौर पर उन्हें जो है अब पोस्ट किया गया है। ये कल रात की बात की जाए तो कल रात को ही ये बहुत बड़ा जो रीशफल अगर देखा जाए, ट्रांसफर ऑर्डर जो है वो सामने आया है। और उसके बाद अगर बात की जाए, क्योंकि डिवकॉम जम्मू अगर ट्रांसफर हुए हैं और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो दूसरा मेजर शफल रीशफल जो है वो कहाँ हुआ है, मैं पहले बता दूं, डीसी जम्मू की बात की जाए तो वो भी ट्रांसफर कर दिए गए हैं। इसमें पहले राघव लंगर थे और अब है मिस अवनी लवासा। मिस अवनी लवासा जो अभी तक स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट है उसकी कमिश्नर थी, उन्हीं चीज़ों को वो देख रही थी। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की बात की जाए, बहुत सारे चार्ज जो है एडिशनल चार्ज भी उन्होंने एज ए सीईओ के तौर पर संभाले हुए थे, लेकिन अब उन्हें जो है वो ट्रांसफर करके डिप्टी कमिश्नर यानी कि डीसी जम्मू का चार्ज जो है वो दे दिया गया है। आप हमेशा देखते हैं कि मैडम अवनी लवासा जो है वो हमेशा अपने काम को लेकर बहुत संजीदा रहती हैं, तेज तरार हैं, हर चीज़ को वो बखूबी तौर पर देखती है, समझती है और उस पर कार्य करती हैं। अभी तक क्योंकि वो स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट देख रही थी, वहीं की वो कमिश्नर थी, बहुत बड़े लेवल पर वो भी प्रोजेक्ट चल रहा था और बहुत सारे चार्ज जो है एडिशनल चार्ज के तौर पर भी उन्हें दिए गए थे, लेकिन अब उन्हें सीधे तौर पर जो चार्ज दिया गया है अब वो डीसी जम्मू, मिस अवनी लवासा जो है उन्हें डीसी जम्मू जो है वो नियुक्त कर दिया गया है। वहीं मिस्टर अंशुल गर्ग की बात की जाए जो अभी तक डीसी जम्मू थे उन्हें ट्रांसफर कर दिया गया है और उन्हें मिस्टर रमेश कुमार जो सीईओ श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड थे उनकी जगह इन्हें नियुक्त कर दिया गया है। यानी कि अब से मिस्टर अंशुल गर्ग जो है वो डिप्टी कमिश्नर नहीं रहे, उन्हें ट्रांसफर करके उनकी पोस्टिंग जो है वो सीईओ श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के रूप में, यानी कि वहां पर उन्हें ओहदा जो है वो संभालना है। तो ये बड़े तीन चेंजेस जो है वो देखे जा रहे हैं। सबसे पहले मैं फिर से बता दूं, डिवकॉम जम्मू राघव लंगर जो है उन्हें चेंज कर दिया गया है, पर उनकी बात की जाए तो उन्हें अब एडिशनल चार्ज ऑफ एडिशनल चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जम्मू मेट्रोपोलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी से ट्रांसफर करके उन्हें सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट प्लानिंग डेवलपमेंट और मॉनिटरिंग डिपार्टमेंट जो है उन्हें उधर वहां पर भेज दिया गया है। और साथ ही बहुत सारी और भी चेंजेस हुई हैं। ये सिर्फ यही चेंजेस नहीं है, मैंने पहले कहा कि मेजर रीशफल जो है वो किया गया है और भी बहुत सारे डीसी जो है उनकी भी ट्रांसफर हुई है और बहुत बड़े बड़े लेवल पर जितने भी लोग बैठे हुए थे एडमिनिस्ट्रेशन में उनकी भी ट्रांसफर करके नए लोगों को उनकी जगह पर नियुक्त किया गया है। मिस्टर भूपिंदर कुमार की बात की जाए तो वो डिप्टी कमिश्नर जो थे वो बारामूला थे, अब उनकी ट्रांसफर करके उन्हें ट्रांसपोर्ट कमिश्नर जम्मू कश्मीर यानी कि J&K ट्रांसपोर्ट कमिश्नर जो है उन्हें बना दिया गया है मिस्टर भूपिंदर कुमार को। उसके बाद अगर बात की जाए तो मैंने वो पहले ही बता दिया कि मिस्टर रमेश कुमार जो है वो सीईओ श्री माता वैष्णो देवी थे, उन्हें डिवकॉम जम्मू अगर बात की जाए तो उसका चार्ज जो है अब वो संभालेंगे, आज के बाद उनके पास ही सारी चीज़ें हैं। और ये भी बात की जाए कि उनके पास एक्स्ट्रा चार्ज भी उन्हें दे दिया गया है, एडिशनल चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर उन्हें जम्मू मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी इन एडिशन टू हिज ओन ड्यूटीज टिल फर्दर ऑर्डर्स। यानी कि जो डिवकॉम जी के पास था, जो मिस्टर डॉक्टर राघव लंगर जी जो अभी चीज़ें संभाले हुए थे, वही चार्ज और एक्स्ट्रा चार्ज भी इन्हें दे दिए गए हैं।
उसके बाद मिस अवनी लवासा, मैंने कैप्शन में भी लिखा हुआ है, उन्हें अब आप एज ए डीसी जम्मू के तौर पर देखेंगे। अभी उसके बाद की बात की जाए तो डॉक्टर सईद सैरिश असगर जो है वो मिशन डायरेक्टर रूरल लाइवलीहुड मिशन जेएंडके थे, उन्हें होल्डिंग जो है उन्हें एक्स्ट्रा चार्ज जो है वो मिशन डायरेक्टर राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान जो है वहां से ट्रांसफर करके डिप्टी कमिश्नर उन्हें बारामूला जो है वो बना दिया गया है। यानी कि बारामूला में अब डॉक्टर सईद सैरिश असगर जो है वो डेप्यूटी कमिश्नर रहेंगे। उसके बाद मिस्टर राहुल यादव की बात की जाए तो वो डेप्यूटी कमिश्नर कठुआ थे, उन्हें ट्रांसफर वहां से कर दिया गया है और उनकी ट्रांसफर करके उन्हें जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का कमिश्नर जो है जो अभी तक मैडम अवनी लवासा ने चार्ज संभाला हुआ था, तो जो मिस्टर राहुल यादव हैं जो कठुआ के डीसी थे उन्हें ये चार्ज जो है वो दे दिया गया है स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का। अब वो चीज़ें जो है वो देख रेख करेंगे। उसके बाद मिस कृतिका ज्योत्सना की बात की जाए, डिप्टी कमिश्नर गांधरबल थी, उन्हें ट्रांसफर करके उनको डिप्टी कमिश्नर उधमपुर बना दिया गया है। यानी कि अब उधमपुर में मिस कृतिका ज्योत्सना जो है वो पदभार संभालेंगी, उन्हें अब डीसी उधमपुर जो है वो बना दिया गया है। और उधमपुर में भी क्योंकि अभी तक देखा जा रहा था कि जो बहुत सारी चेंजेस पहले भी हुई थी और अब फिर से उधमपुर में नए डीसी जो है वो नियुक्त कर दिए गए हैं। उसके बाद बहुत सारी, क्योंकि ये जो लिस्ट है ट्रांसफर की बहुत लंबी है और क्योंकि इसलिए हम आपको सुना रहे हैं कि बहुत बड़े बड़े नाम जो हैं जिन्हें ट्रांसफर जो है वो कर दिया गया है। इसके बाद अगर बात की जाए मिस्टर राहुल पांडे, ये एडिशनल सेक्रेटरी इन द लेफ्टिनेंट गवर्नर सेक्रेटरी होल्डिंग एडिशनल चार्ज ऑफ डायरेक्टर इन्फॉर्मेशन जे एंड के, डायरेक्टर आर्काइव्स आर्क्योलॉजी एंड म्यूजियम्स जे एंड के, एंड सेक्रेटरी जे एंड के अकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस ट्रांसफर एंड पोस्टेड एज डिप्टी कमिश्नर कठुआ। तो यानी कि जो राहुल यादव हैं जिन्हें डीसी कठुआ से हटा दिया गया है, तो उनकी जगह मिस्टर राहुल पांडे जो है वो अब नए डीसी कठुआ जो है उन्हें नियुक्त कर दिया गया है। इसके बाद अगर बात की जाए तो अगर डिप्टी कमिश्नर की बात की जाए, मिस्टर मिंगा शेरपा जो अभी तक देखा जा रहा था कि यूनियन टेरिटरी ऑफ जे एंड के वो वहाँ यहाँ पर थे लेकिन उन्हें कोई चार्ज नहीं दिया गया था, अब उन्हें एडिशनल चार्ज जो है वो डिप्टी कमिश्नर जम्मू का यानी कि एडीसी जो है वो जम्मू मिस्टर मिंगा शेरपा जो है उन्हें नियुक्त कर दिया गया है। उसके बाद अगर बात की जाए जो अलग अलग चार्जेज है, क्योंकि डीसी की बात की जाए तो बहुत सारे डीसी जो है वो जम्मू कश्मीर में ट्रांसफ़र किए गया, खासतौर पर जम्मू डिवीज़न की बात की जाए तो यहाँ पर जो डीसीज हैं उन्हें बहुत सारा जो है चेंजेस देखने को मिला है। उसके बाद अगर बात की जाए मिस्टर शम्भीर आईएएस है, ये एडिशनल डिप्टी कमिश्नर थे ये जम्मू के, अब इन्हें जो है ट्रांसफ़र कर दिया गया है डिप्टी कमिश्नर गांधरबल, इन्हें गांधरबल की ओर भेज दिया गया है। उसके बाद भी अगर मैं बहुत सारे जो ट्रांसफर्स देख रहा हूँ उनमें जो मेन ट्रांसफर्स हैं मैं वही आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जिस तरह से मैंने पहले ही शुरुआत में बता दिया कि डिवकॉम जम्मू और डीसी जम्मू का जो एक बहुत बड़ा ट्रांसफ़र हुआ है वो जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आने वाले समय में अब वही लोग जो हैं डीसी जम्मू और डिवकॉम जम्मू के तौर पर काम करेंगे, उन्हीं से सारी चीज़ें जो हैं हमें देखने और सुनने को मिलेगी। जैसे कि अब उधमपुर में भी नई डीसी आ चुकी है और उधमपुर की जो अभी तक की डीसी थी मिस इंदु कवलचिप, क्योंकि वो उधमपुर की डीसी थी, उन्हें ट्रांसफ़र कर दिया गया है और उन्हें मिशन डायरेक्टर रूरल लाइवलीहुड मिशन जे एंड के में पोस्ट कर दिया गया है। तो अब से उधमपुर की जो डीसी हैं वो इंदु कवलचिप नहीं रही हैं, नए डीसी जो है वो नियुक्त कर दिए गए हैं जो है वो लाए गए हैं, क्योंकि दो ऑर्डर्स जो हैं वो यहाँ पर सामने आए हैं जिनमें अलग अलग एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पर जो है वो चेंजेस किए गए हैं। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूँ अटल डुल्लू जो फाइनेंशियल कमिश्नर थे फाइनेंस डिपार्टमेंट के, उन्हें ट्रांसफ़र कर दिया गया है और उनको फाइनेंशियल कमिश्निंग एडिशनल चार्ज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन सेक्रेटरी एनिमल एंड शीप हस्बेंड्री डिपार्टमेंट हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट इज ट्रांसफर्ड एंड पोस्टेड एज प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट। और ऐसे ही बहुत लंबी लिस्ट जो है अगर मैं बताऊँगा तो, क्योंकि हम थोड़ी देर में आपको अपने पेज पर भी पोस्ट कर देंगे कि किसकी ट्रांसफ़र कहाँ हुई है, लेकिन जो मेन ट्रांसफ़र थी अगर मेन में बात करूँ जो मेन ट्रांसफ़र थी वो डिवकॉम जम्मू की बात की जाए या डीसी जम्मू की बात की जाए, डीसी उधमपुर की बात की जाए, डीसी कठुआ की बात की जाए, सीईओ जो श्राइन बोर्ड के हैं उनकी बात की जाए, तो ये बहुत बड़ी ट्रांसफ़र थी और ये जानना बहुत ज़रूरी था कि अगर इनकी ट्रांसफ़र कर दी गई है तो अब नए डीसी और नए डिवकॉम कौन होंगे। तो सीधे तौर पर नए डिवकॉम जम्मू जो हैं वो मिस्टर रमेश कुमार हैं, अब से वही ये चीज़ें देखेंगे जो जम्मू में जम्मू डिवीज़न में चल रही हैं। और डीसी जम्मू खास तौर पर ये देखा जाए तो मिस अवनी लवासा जो है वो अब से चार्ज संभालेंगी। तो बड़ा रीशफल है और एक जिस तरह से खबर ये सामने आई है, अब ये देखना होगा कि एकदम से रातों रात ये खबर आई है तो क्या चीज़ें रही होंगी, क्यों ऐसी ट्रांसफर्स हुई है, क्योंकि ये समझ पाना बहुत मुश्किल होता है
हमेशा बेहतरी के लिए ही ट्रांसफर जो है वो की जाती है, और क्योंकि अब ये पदभार संभालेंगे, अब देखना होगा किस तरह से आगे काम जो है वो चलता है, किस तरह से वो किस प्ररूप से क्या चीजें जो है वो अब सामने लाती हैं। फिलहाल बड़ा रिशफल है जो अब तक पहुंचाना बहुत जरूरी था। दीजिए इजाजत, दीपा भंडारी के साथ राहुल सिंह द स्टेट सेंट्रल के लिए नमस्कार।